Hello everyone, let's begin addition of fraction. In this we'll see addition of fraction. Example number 1, 2 by 3 plus 4 by 5 and example number 2, 3 by 4 plus 5 by 6. ये दो example को मैं solve करके बताऊंगा. Simple trick है. हमें क्या करना है, 2 by 3 अगर ये एक fraction है तो इसमें ये numerator होगा और ये denominator होगा. दूसरा part है इसका 4 by 5, इसके अंदर में हम ये न्यूमरेटर लेंगे और ये डिनोमिनेटर लेंगे. राइट, ओके, राइट. अभी आसानी के लिए क्या करेंगे, इसको n1, इसको d1, इसको n2, इसको d2 कर देंगे. ठीक है, तो क्या बन गया, हम फॉर्मूला डिजाइन करने जा रहे हैं इसके लिए. n1 अपॉन d1 इज इक्वल प्लस n2 अपॉन d2. तो इसका टेक्निक क्या है, सिंपल टेक्निक यह है कि n1 मल्टीप्लाइड बाई d2 प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय d1 होल डिवाइडेड बाय d1 मल्टीप्लाइड बाय d2. ये हमारा मेन फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को हम माइंड में रखेंगे तभी जाके हम एनी टाइप ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हैं. कोई भी एडिशन हमको दिया जाए, फ्रैक्शन दिया जाए, करेंगे. लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट एग्जांपल, 2/3 एंड प्लस 4/5. तो हमारा ये n1 हो गया और ये d1 हो गया, ये n2 हो गया, ये d2 हो गया. इस तरह से हम फॉर्मूले में इसको फिट करेंगे, देन विल गेट n1 इंटू d2 प्लस n2 इंटू d1 डिवाइडेड बाय d1 इंटू d2. ये क्या हो जाएगा, फिर n1 की जगह 2 इंटू d2 की जगह पर 5 आएगा, प्लस n2 की जगह पर 4 लिखेंगे, ये 4 है यहां पर इसलिए, और d1 की जगह पर हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय d1 इंटू d2 दैट इज 3 इंटू 5. तो ये क्या हो गया, 2 5 10 प्लस 4 3 12 डिवाइडेड बाय 3 5 15. हाउ मच दैट इज 10 प्लस 12 22 अपॉन 15. सो दिस इज आवर मेन आंसर. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ अगेन सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, 3/4 + 5/6. इसको कैसे करेंगे, 3 n1 हो जाएगा, 4 d1 हो जाएगा, 5 n2 हो जाएगा, 6 d2 हो जाएगा. फॉर्मूला हमारा है n1 इंटू d2 प्लस n2 इंटू d1 डिवाइडेड बाय d1 इंटू d2. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, n1 d1, न्यूमरेटर फर्स्ट, न्यूमरेटर सेकंड, डिनोमिनेटर फर्स्ट, डिनोमिनेटर सेकंड. तो ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे, 3 × 6 प्लस 5 × 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6. 3 6 18 प्लस 5 4 20 होल डिवाइडेड बाय 4 6 24. सो विल गेट दिस 38 अपॉन 24. और इसको 2 से अगर डिवाइड करते हैं दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 19 अपॉन 12 आता है. तो ये सिंपल ट्रिक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, अच्छे से समझ में आएगा, इस पर प्रैक्टिस करना और फिर यू विल गेट सक्सेस. ओके, प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू वेरी मच. बाय, टेक केयर.